इंजन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बेंगलुरु कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में, जहां पर आज सर्वज्ञ नगर के कुछ लोगों ने जेडीएस छोड़कर जो है कांग्रेस में सिर पड़े किया है। जी हाँ दोस्तों, आसिफ भाई ने जो है, आसिफ भाई एक कांग्रेस वर्कर है, कांग्रेस के एक लीडर हैं, जो तमाम जेडीएस के सर्वज्ञ नगर की टीम थी उनको जो है आज लाकर इन्होंने कांग्रेस में सिर पड़े कराया है। जहां दोस्तों ताज पाशा जो हिदायत नगर के एक सोशल वर्कर है, एक लीडर है, तकरीबन 23 साल की उम्र से जो है कांग्रेस में है, 23 साल की उम्र से जो है कांग्रेस के लिए काम करते आए हैं, लगातार इनकी मेहनत रही है, और एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है जिन्होंने हिदायत नगर में तकरीबन 100 से 150 लोगों के जो है आंखों का फ्री में ऑपरेशन भी कराया है। कांग्रेस छोड़कर इन्होंने जो है लोगों की बात सुनकर जेडीएस में ज्वाइन किया, कुछ महीने जेडीएस में रहे। जब इन्हें पता चला कि जेडीएस सेक्युलर पार्टी नहीं है, कुमारस्वामी जो अपने आप को सेक्युलर कहते थे वो खुद सेक्युलर नहीं है, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो इन्होंने ये समझकर आसिफ भाई से मशवरा करकर जो है आज अपनी तमाम टीम को लेकर, यानी कि तकरीबन 25 से 30 लोगों को लेकर ये कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। वही सईद अहमद और उबेदुल्ला शरीफ की सदारत में जो है आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। हमने ये जानने की कोशिश की ताज भाई से कि ताज भाई जो लगातार जो है लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं, लोगों की मदद करते आ रहे हैं, इन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, कि क्या इनका मुकाम उसी तरह से रहेगा जिस तरह से जेडीएस में था। तो इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह उससे और ज्यादा जो है हमारी इज्जत रहेगी, हमारा मुकाम रहेगा, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका जो है वो जो है लोगों को बहुत पसंद है, और इसी वजह से जो है आज हमने यहाँ पर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। आइए बात करते हैं जनाब ताज भाई से और आसिफ भाई से, जिन्होंने इन सबको जो है कांग्रेस में ज्वाइन कराया। मैडम मैडम तुम एक्सपीरियंस पॉइंट देते सर, आज सर्वज्ञ नगर के लोग जो है जेडीएस से छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मकसद है सर, क्या इंटेंशन है, किस वजह से जो है? सबसे पहले दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ डीके शिवकुमार साहब का, जो केपीसीसी के जो चीफ हैं। एक जो खदर जो है वर्कर की, साहब जो है डीके साहब एनएसयूआई प्रेसिडेंट थे, उसके बाद आईवाईसी से थे, स्क्रैच लेवल से जो है जो साहब ऊपर आए, वो खदर जो है एक वर्कर की खदर उन्होंने जानती बेहतर। जेडीएस के जितने भी लोग जो है अब यहाँ सेर पड़े करने जा रही, यहाँ का जो काम करने का तरीका, जो सलीका है, जो वर्कर की इज्जत है केपीसीसी से, उसके लिए जो है सबसे पहला मुद्दा जेडीएस से यहाँ आ रही। सेकेंड, जेडीएस में अब आपके हालात जो देखे रही हैं, क्या गुजरे इस बीच में, जेडीएस से जो है सबसे पहले एस का जो है निकाल देना चाहिए, क्योंकि सेक्युलर करके बोल रही हैं अब कुमारस्वामी साहब, ये सबसे बड़ी नाइंसाफी कर रही हैं उन्होंने सेक्युलर इसमें, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी खेल रही हैं। एक कोमावादी पार्टी में जाकर जमकर जो है अपनी फैमिली बचा लेने के वास्ते हर एक छोटे मोटे वर्कर को जो है उनकी लाइफ ख़त्म करवा ले, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहा है, जेडीएस जो है ख़त्म कर रही है इस चीज़ के। इसलिए जो है डीके शिवकुमार साहब जो है वर्कर की खदर कर रही हैं, टॉप पोजीशन पोस्ट की नहीं है खदर जो है, डीके साहब जो है छोटे पोस्ट के जो वर्कर है उसकी खदर कर रही हैं। और मैं सलीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उबैदुल्ला शरीफ साहब का, हिदायतुल्ला साहब का, सईद शरीफ साहब का, जो मौका दी, जो अपने को अपना लगा कर जो है खांदे से खांदा लगा कर जो है काम करने की कोशिश जो कर रही हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ हिदायतुल्ला साहब का, जो एक्टिवली जो है हमारे साथ 8-15 दिन से काम कर रही सर्वज्ञ नगर के वास्ते। पहली बात यह है कि हमको पहले से ही कांग्रेस से मोहब्बत है। लगभग मैं 20 साल की उम्र में था, सेकेंड पीयू में था, तो मैं वहाँ से ही कांग्रेस का एक लीडर बना, तब से लेकर आज तक कांग्रेस ही हूँ।
बीच में कुछ खामियां आ गए, इसलिए मैं छोड़ के जेडीएस को चला गया था। लेकिन बात यह है कि जेडीएस में रहने के लिए क्यों मन नहीं चाहता करके, वहाँ के लीडर्स कुछ बराबर नहीं है, साथ नहीं देते, कोई काम को भी साथ नहीं। अब देखो रहते रहते छोड़ के हमको चले गए कुमार स्वामी जो हैं, सेक्युलर सेक्युलर बोल के अब वो क्या हो गए, बीजेपी के साथ सेक्युलर हो गए। इसलिए इस वजह से हम सर्वोदय नगर के जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं आज पूरे यहाँ पर आकर सिर पड़े कर रहे हैं। क्या लगता है अब यहाँ पर आप लोगों का वही मुकाम रहेगा जो जेडीएस को था, उससे ज्यादा इंशाल्लाह अल्लाह की जात पर भरोसा है, हमारी काबिलियत पे हमारा मुकाम रहेगा। आप लोग जो है मंसूरी खान से मुलाकात करके उनके काम रहे, किस तरह की तरतीब रहेगी, क्या काम रहेगा? हम ग्राउंड वर्क करने का इरादा है, ग्राउंड लेवल में उतर के वर्क करेंगे मंसूर अली खान। क्या मैसेज रहेगा सर आवाम के लिए, क्या पैगाम है? आवाम के लिए बस यही कहता हूँ कि ये एक कांग्रेस पार्टी जो है एक बहुत अच्छी पार्टी है, खासकर हमको खुशी महसूस होती है क्योंकि ये पांच जो स्कीम आए हुए हैं, गृह लक्ष्मी और तुम्हारा जो बस का जो फ्री पास, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब चीज़ें और चावल के पैसे, देखो तकरीबन मेरे ख्याल से मैं एक 2500 आदमी को मेरे ही ऑफिस में बुला के, पोस्ट ऑफिस अकाउंट खुला के पैसे वहाँ पर ही दिलाया उनको। मेरे को इतनी खुशी महसूस होती है कि वो जो वहाँ के लेडीज़ हैं आके रो के पैसे लेके जाते हैं, उनको कोई जरिया नहीं है पैसों का। अब ये माहौल में, ये जो माहौल है बहुत महंगाई का माहौल है, इस टाइम पर इलेक्ट्रिक बिल के पैसे कम होना और 2000 रुपये गवर्नमेंट के तरफ से आना, और ये चावल के जो पैसे हैं तकरीबन 500 से पकड़ के 850 रुपये तक हर माह पैसे आ रहे हैं, ये हिसाब से देखे तो ये पार्टी में बहुत खुशी होती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा सानिया है, मैं कांग्रेस में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ के लिए जो भी फैसिलिटीज़ देखे हैं बहुत खुश हैं, लेडीज़ तो खासकर बहुत खुश हैं। जैसा कि लेडीज़ को बसेस फ्री करके हैं, जितने भी गांव को जाना हो आना हो उनको इतना आसान और इजी हो गया है कि कहीं भी गांव को आसानी से जा सकते हैं आ सकते हैं। पहले इतना अच्छा माहौल नहीं था बसेस के अंदर जाना या टिकट खरीदना आम आदमियों के लिए। जो सिद्धरामैया जी ने जो ये 5 फैसिलिटीज़ बनाए उसमें बस का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और सेकेंड आके जो महीने को जो 2000 आ रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो सभी जाके आम लड़कियां औरतें जो अनएजुकेटेड हैं वो जाके कमा नहीं सकते, लेकिन उनके हाथ में कुछ पैसा आ नहीं सकता था, जो एटलीस्ट कुछ हमारी गवर्नमेंट ने जो औरतों के लिए जो 5 फैसिलिटीज़ की करके हैं उसका बहुत अच्छा है, सुन के भी बहुत खुशी होते। आज तक जितने भी पॉलिटिक्स के अंदर आए इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ जो औरतों के लिए दिए हैं वो कोई नहीं दिया था, तो हम इस बात का शुक्र अदा करेंगे सिद्धरामैया जी के लिए और कांग्रेस के लिए, जितने भी कांग्रेस वर्कर हैं उन सबको लिए हम लोग यही कहेंगे कि अगले बार और पिछले बार जब भी आओ कांग्रेस ही आओ करके हम लोग उनकी सपोर्ट में।